22 वर्ष के सुरेश कुमार घर से लापता हो जाते हैं और अब आज के दिन वेयरहाउस से उनका शव जो है वो पुलिस रिकवर करती है। उनके परिजन मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। उनके भाई इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? रामपाल सिंह। रामपाल जी, मुझे बताएं कि सुरेश जी जो हैं घर से कब निकले थे? ये 2 तारीख को सुबह 9 बजे घर से निकले थे। अच्छा, कुछ बताया था कहाँ जा रहे हैं? मैम जी पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते कुछ 9 बजे के करीब फ़ोन आया था इसका। वो फ़ोन करते मम्मा ने पूछा इसको कि कहाँ जा रहा है, बोला मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। अच्छा, बस ये बात हुई, उसके बाद ये आया नहीं वापस। तो आपने फ़ोन किया, उनके दोस्तों को जानने की कोशिश की कि कहाँ पर है? हमने सब दोस्तों से पूछा, बोले हमें तो मिला ही नहीं आज कोई, तो किसी के कोई बोल रहा था हमारे साथ बैठा हुआ था, कोई बोल रहा इधर बैठा हुआ था, कोई बोल रहा इधर बैठा हुआ था। तो जोड़ियाँ में कोई ये 9 बजे से लेकर 12:30 के करीब ये जोड़ियाँ में घूम रहा था। अच्छा, पूरे जोड़ियाँ में देखा सभी ने। अच्छा, हाँ। तो आपको किसने बताया कि उनको वहाँ पर देखा गया? क्योंकि हमने बाजार में खुद पूछा सभी को कि इधर मिला किसी को, क्या हुआ, कैसे बात है, कहाँ गया है, क्या नहीं है, बस ऐसे पूछा सभी को। तो मिसिंग रिपोर्ट आपने कब लिखवाई? हमने 4 तारीख को। 4 तारीख को? 3 तारीख को नहीं, 4 तारीख को लगाया, 4 को। उसके बाद पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की? एक ही दिन गुजरा है मैम, उसको हमने 4 तारीख को दिए था, सर गए थे जम्मू में, आए हुए थे कोर्ट में, और हमने मुंशी को दी थी रिपोर्ट, और मुंशी बोल रहा जब तक सब नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद हम चले गए घर में रिपोर्ट लिखवा के, बोले सब आएंगे, सब आए रात को 10 बजे, और 10 बजे आए, हमने सुबह भी देखा, मैंने सोचा चलो रात को 10 बजे आएंगे तो इन्होंने रिपोर्ट वगैरह कुछ निकाली होगी, तो चलो अब अभी चलते हैं पता करते हैं। कोई हम गए कोई इनके पास फिर सुबह 11:30-11:12 बजे के बीच, और ऐसे ही वर्दी नहीं कुछ नहीं पहनी हुई है, ऐसे ही घूम रहा है, कोई पता नहीं है इसको कि क्या हुआ है इधर, क्या हुआ नहीं हुआ है। तो पुलिस आपको कुछ बता रही है? पुलिस को हमने खुद जाकर बताया कि सर उधर के नाम लेते बेरो उसमें फ़ोन लगाओ, उधर देखो कोई डेड बॉडी आई है तो देखो कि बात करो। फिर इन्होंने फ़ोन किया हमारे सामने, फिर इन्होंने रिपोर्ट ली, फिर उधर से फोन दिखाया, फिर हमने देखा उसमें। कौन से थाने की बात करें, कौन से थाने गए थे? ये जोड़ियां थाना। जोड़ियां थाने जी। तो उनको मालूम ही नहीं था कि ये सब कुछ हुआ है? जी मैम, हमने तभी तो बता रहा हूँ आपको, 4 तारीख को हमने रिपोर्ट लिखा रहे हैं, आज तक उसने कुछ नहीं किया तो क्या फायदा इस चौकी का रखने का इसको? हाँ, तो उनकी सुरेश जी की क्या किसी के साथ कोई लड़ाई थी, क्या कभी किसी ने घर पे आके धमकी दी थी, क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? 2-3 महीने पहले गुज्जर के साथ इनकी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, और उसने खोड़ में गया पहले, उसको अंदर बंद किया उस बाप बेटे ने, उसके बेटे ने बोला कालू गुजरा उसका नाम, एक तो वो हफीम वगैरह, दूसरा चर्स वगैरह सब बिक्री करता है। कोई खोड़ की पुलिस नहीं उठाती, कोई जोड़ियाँ की पुलिस नहीं उसको उठाती, उसने खोड़ की पुलिस के थानेदार को वहाँ पे मारा था, तो कोई उठाने के लिए जाता नहीं उसको, डरते हैं सभी उससे। हैं, उसके बाप और उसके बेटे ने दोनों ने उसको मारने की कोशिश की पहले। तो आपको लगता है कि वही इस मामले में भी इन्वॉल्व? शायद वो भी हो जाए, तो वो भी हो, आगे भी कोई और निकल सकता है, वो कॉल डिटेल पे पता चलेगा ना कौन है कौन नहीं है। 9 बजे से जो 9 बजे की कॉल डिटेल है वो हमें चाहिए। अच्छा। जल्द से जल्द अगर पुलिस नहीं कर सकती फिर हम खुद करेंगे। अभी यहाँ पर पुलिस का कोई अधिकारी मौजूद था, किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की? हमसे कुछ किसी ने नहीं पूछा, और आप लोगों ने आए, आप लोगों ने पूछा और किसी ने नहीं पूछा हमें, किसने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं की। तो अब आप क्या चाहते हैं इस मामले? हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्द हम लोगों का जो मुजरिम है वो पकड़े जाएं, तो हमें देखने हैं कि वो कौन से मुजरिम हैं, कहां से आए हैं, कौन है कौन नहीं है, क्या घर गांव के हैं बाहर के हैं, तो कहीं कहां से आए हैं वो देखने जरूरी है। सुरेश करते क्या थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे, इस समय कोई काम कर रहे हैं? पढ़ाई वगैरह छोड़ दी है उसने, तो वैसे ही घर में रहता था, 12वीं पास है वो, 12वीं के बाद वो भर्ती वगैरह की सोच रहा था, चलो भर्ती देखता हूँ। और कल मम्मी ने छुट्टी काट कर जाना था गांव बाहर, दिल्ली में उसकी पोस्टिंग हुई है, दिल्ली में पोस्टिंग हुई है, वो उन्होंने बाहर जाना था, तो इधर से ये वो भी बोल रहा था, बोल रहा मम्मी मैं भी घर में क्या करूँगा, चल मेरे को भी ले चल, मम्मी बोल रही चल मेरे साथ चल। हैं, उसके बाद मम्मी ने जाना था, मम्मी बोल रही चलो इसको फ़ोन लगा के पूछते हैं कहाँ है, गाड़ी लेकर तो गया कहीं या कहीं और कहीं गया, बस ये बात हुई, उसके बाद ना पता चला इसका ना कुछ, और इधर हमने ये देखा है। आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि वो एक दिन के लिए गए हों लेकिन 1-2 दिन के बाद वापस घर आए? मैम पहले भी जो 1-2 दिन पहले जो गाड़ी लेकर जाता था किसी को बता के नहीं जाता था, ऐसे चले जाता था, ना मेरे को बताता था, ना पापा को बताता था, ना मम्मी को बताता था। फिर बाद में इसने क्या करना, वो अपनी वीडियो बनानी है और वीडियो डाल देनी है सभी के लड़कों के फ़ोन में, फिर मैं उनको पूछता हूँ मैं कहाँ गया जी,
बोलते हैं वो यार फलानी जगह गया, फिर वो उनको वीडियो दिखाते थे, हम सोचते हैं चलो ये कहीं गाड़ी लेकर गया होगा या कुछ गया, हमें तसल्ली हो जाती थी। तो ये हमें तसल्ली कहाँ से नहीं हुई, ये हमने देखा फ़ोन लगा कर स्विच ऑफ आ रहा है इसका, जब भी देखे स्विच ऑफ हो रहा है, 2 तारीख से लेकर हमने 3-4 तारीख तक स्विच ऑफ ही मिला हमें भी। आज आपको खबर कैसे मिली? वो भी खबर क्या, हम थार चौकी में गए हैं खुद, उनको पूछा भाई कुछ पता किया या क्या नहीं, बोल रहे हम कॉल डिटेल निकाल रहे हैं, वो कॉल डिटेल निकाल रहे हैं तो कब कॉल डिटेल निकालनी होती है, कल हमने कोई 10 बजे के करीब हमने रिपोर्ट की है सुबह तो आज हम गए हैं उसके पास 11 बजे सुबह हैं, कि कल से लेकर अभी तक किसने कुछ नहीं किया। आप सुन सकते हैं कि उनके पिताजी भी यहाँ पर हैं लेकिन इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी दुख की घड़ी है, तो उन्हें डिस्टर्ब करना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन 22 वर्ष के सुरेश कुमार की बॉडी वेयरहाउस से मिलती है, पुलिस रिकवर करती है, परिवार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका मर्डर किया गया है, और ये भी कि पुलिस ने एक दिन में क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या उसकी कॉल डिटेल निकाली, क्या मालूम करने की कोशिश की कि सुरेश कुमार कहाँ है। इस समय मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी के बाहर हूँ, उनका शव जो है वो अंदर पोस्टमार्टम के लिए लिया गया है, पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, तब जाकर क्लियर होगा कि मामला क्या है। लेकिन फिलहाल परिवार के मुंह से आपने सुन लिया कि वो लापता हुए थे, इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाई, लेकिन आज जाकर इन्हें मालूम चल रहा है कि वो 22 साल का युवक अब जिंदा नहीं है।